नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। किसी ने क्या खूब कहा है कि पैसा भगवान नहीं, मगर लोगों के लिए भगवान से कम भी नहीं। जी हां, इस दुनिया में हर कोई कमाने के लिए काम करता है। पैसा इस वक्त खाने के बराबर ही जरूरी भी है। आज के समय में कोई अपने पैशन को फॉलो करके कमाता है, कोई मजबूरी की नौकरी करके कमाता है, कोई जनसेवा करके कमाता है, तो कोई सियासत में आकर कमाता है। इस बीच कोई कम तो कोई बहुत ज़्यादा भी कमाता है। अब आपको बड़े से बड़े अधिकारियों की सैलरी के बारे में पता होगा, मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री आखिर कितने रुपए कमाते हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? अगर नहीं तो आज देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए आपके राज्य के मुखिया की होती है कितनी कमाई। देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों की अलग अलग सैलरी है। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री को आवास, वाहन और सुरक्षा के साथ साथ देश विदेश में कहीं भी आने जाने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। कई राज्यों के पास अपने शासकीय विमान और हेलीकॉप्टर हैं। सैलरी की बात करें तो चलिए कुछ खास राज्यों में मुख्यमंत्रियों को कितनी सैलरी मिलती है ये बता देते हैं। देश में त्रिपुरा के सीएम को सबसे कम 1.05 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जबकि नए और छोटे राज्य तेलंगाना के सीएम को सबसे अधिक 4.10 लाख रुपए वेतन मिलता है। सबसे अधिक सैलरी के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 3.90 लाख रुपए वेतन मिलता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो तीसरे नंबर पर, जिनको 3.60 लाख रुपए वेतन मिलता है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री को 2,20,000 रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को 1,05,500 रुपए, वहीं नागालैंड के 1,10,000 रुपए, वहीं मणिपुर में 1,20,000 रुपए वेतन दिया जाता है। बता दें चले कि असम के सीएम को 1,25,000 रुपए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1,33,000 रुपए, मेघालय के मुख्यमंत्री 1,50,000 रुपए वेतन मिलता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री को 1,60,000 रुपए, उत्तराखंड के सीएम को 1,75,000 रुपए मिलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को 1,75,000 रुपए और केरल के मुख्यमंत्री को 1,85,000 रुपए वेतन दिया जाता है। देश में फिलहाल कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि इसे राज्य की विधानसभा तय करती है। मुख्यमंत्री के वेतन का केंद्र सरकार या संसद से कोई लेना देना नहीं होता है। इस सैलरी में वृद्धि का भी प्रावधान होता है। मुख्यमंत्री की सैलरी में महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री को सैलरी चाहे जितनी मिलती हो, मगर इन पर कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे कितनी सैलरी मिलती है, लेकिन सभी का काम एक होता है, राज्य को संभालना, राज्य को दूसरे राज्य से बेहतर करना। अब इसमें कौन कितना सफल हो पाता है ये उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।